भाई एक्सपीरियंस तो काफी भयानक रहा यार, लेकिन बिल्कुल भैया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इस पे एक बार में लाखों लाखों एप्लीकेशंस जा रही होती हैं, तो मतलब भाई अप्लाई ही नहीं करूंगा मैं, वापस नहीं आऊंगा। वर्किंग डेज का होता है तो थ्री वर्किंग डेज में या तो रिजेक्शन या तो नेक्स्ट आपको रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आ जाएगा। आप यूके आ गए हैं या यूके आने वाले हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा जो आपको हेल्प करेंगी यूके में एक जॉब सिक्योर करने के लिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, रिसेंटली मेरे दोस्त को एक पार्ट टाइम जॉब मिली है और उसके पास चलते हैं और पूछते हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये मेरा दोस्त है मन, और इसको रिसेंटली पार्ट टाइम जॉब मिली है, तो इससे पूछते हैं इसका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कितनी जगह इसने अप्लाई किया, कहाँ कहाँ अप्लाई किया और किस तरीके से अप्लाई किया। भाई एक्सपीरियंस तो काफ़ी भयानक रहा यार, यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स जितना इजीली बोलते हैं कि मिल जाती हैं, मिलती नहीं है। अच्छा, लेकिन ये जो टाइम होता है ना, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ही आते हैं, हाँ, तो पाकिस्तान से, सितंबर का मेन इंटेक जो है, इंडिया से जो इतने सारे बच्चे आते हैं, सबको उन्हीं पार्ट टाइम्स में अकोमोडेट करना है, हाँ। और सिटी का साइज और वॉल्यूम इतना बड़ा नहीं है, तो सारे वही स्टोर्स हैं और कॉम्पिटिशन एक्चुअली आपके आसपास ही घूम रहा होता है। ये हमको लगता है कि भाईचारे में हम सबको लेके चलते हैं, तुम भी अप्लाई कर दो। तो पहले हम ये कर रहे थे कि हम चार लोग जाते थे एक दुकान में, चार सीवी देके आते थे, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, किसी को नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे भाईचारे में जाते थे, चारों में से किसी की नहीं लगती थी और वहाँ से बिल्कुल आराम से रिजेक्शन आता था। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ आप ये बताओ कि जब जैसे जॉब से अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो कौन कौन से वो प्लेटफॉर्म थे जो आपने यूज़ किए और कौन कौन से यूजफुल प्लेटफॉर्म थे? भाई इंडीड पे सब कहते हैं अप्लाई करो, ठीक है, सब कहते हैं इंडीड फ्लेक्सी पे अप्लाई करो, सब कहते हैं टारगेट जॉब्स पे अप्लाई करो, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल वो अच्छी बात है कि लोग कहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भैया प्लेटफॉर्म से, क्योंकि इस पे एक बार में लाखों लाखों एप्लीकेशंस जा रही होती हैं। तो मतलब आपका एक्सपीरियंस इन प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं था? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन अगर जॉब नहीं मिल रही तो क्या बात है, एक्सपीरियंस का क्या करूंगा, जॉब चाहिए मुझे, ठीक है भाई। तो भाई अगर आपको अप्लाई करके जॉब चाहिए, तो या तो आप उस कंपनी में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई करो, ठीक है, या फिर आप वहाँ पे जाके स्टोर के मैनेजर से बात करो, या फिर आप स्टोर के किसी कंसल्टेंट से बात करो जो एक्चुअली वहाँ पे काम करता है। क्योंकि आपको यूके में अगर जॉब पार्ट टाइम मिल सकती है जल्दी, तो रेफरल से मिल सकती है। अच्छा। रेफरल जो आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप किसी जगह पे वेटर हो, बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे ये जॉब्स काफी रिस्पेक्टेबल होती हैं, बट यहाँ पे अगर आप वेटर हो तो आपको वो पूछेगा कि भाई आपके कोई दोस्त हैं जो कर सकते हैं काम, हाँ, तो आप बोल दोगे हाँ भाई मेरे दोस्त हैं, तो इजी हो जाता है, तो उसके लिए इजी है, उसका भी एफर्ट बचेगा कि उसको 50 लोगों का इंटरव्यू। तो मतलब हर तरीके के जॉब्स के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव, कैशियर, वेटर्स, सर्वर्स, बारटेंडर्स, तो उसमें से ऑफर्स किस किस किया है आपको, मतलब रिस्पांस कहाँ कहाँ से मिला आपको? भाई अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपका टर्न अराउंड टाइम मोस्टली 3 वर्किंग डेज का होता है, तो 3 वर्किंग डेज में या तो रिजेक्शन या तो नेक्स्ट स्टेप, रिप्लाई आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा कि रिजेक्ट हुए हो, नेक्स्ट स्टेप्स में जाओगे या फिर आप सिलेक्ट हुए हो। पार्ट टाइम जॉब के लिए भी ये टेस्ट वगैरह लेते हैं? भाई ऑल्डी में अगर आपको कपड़े बेचने हैं या फिर ऑल्डी में अगर आपको आटा बेचना है, तो उसके लिए आपको करीब करीब भाई 200 सवालों का आंसर करना पड़ेगा पहले। अच्छा। कि भाई अगर मान लो आपके कस्टमर आए और वो बूढ़े हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, तो आप उन्हें हर चीज कैसे बताओगे? तो ये आपको लिखने पड़ेंगे आंसर, आपको मल्टीपल चॉइस देने पड़ेंगे, मतलब स्टेजेस होते हैं, स्टेजेस होते हैं, जैसे आपकी फुल टाइम जॉब होती है, ऐसे ही यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स के लिए आपको पहले आपको एप्लीकेशन भरनी है, फिर उसके सीवी देना है, कवर लेटर देना है, उसके बाद आपको उनके लिए उनसे बात करनी है, उनके वीडियो इंटरव्यूज देने हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने हैं, फिर उसके बाद ये पार्ट टाइम है जब आपको वेटरी करनी है उसके लिए। तुम्हें ऑफर कहाँ कहाँ से आई इन दी एंड, जब तुमने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया और ये सारे स्टेजेस से गुजरे जिसके अंदर टेस्ट भी थे, डिफरेंट इंटरव्यूज भी थे, कहाँ कहाँ से तुम्हें ऑफर? भाई कुछ स्ट्रैफर्ड की दुकानें थी जिन लोगों ने कॉल किया, क्योंकि उन लोगों से मेरी अच्छी बातचीत हो गई थी। एक होता है आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, एक होता है आपने वहाँ पे जाके उस मैनेजर से, उस स्टाफ से अच्छी जान पहचान बना ली। जब आप जान पहचान बना लेते हो, जब आप बातचीत कर लेते हो, तो वो आपको याद रखते हैं, आपके सीवी को ऊपर रख देते हैं। तो ये मैटर करता है फॉर पार्ट टाइम जॉब, अगर आप किसी से, आप नेटवर्किंग काफी मैटर, नेटवर्किंग बहुत मैटर करती है पार्ट टाइम जॉब के लिए। अगर आप किसी जैसे दुकान पे जाते हो, शॉप वगैरह पे, और उनसे कम्युनिकेशन अच्छा करते हो, अपने बारे में बताते हो, अपने आप प्रेजेंटेबल हो, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के। सब तो ठीक है, अब ये बताओ सीवी कितना मैटर करती है पार्ट टाइम जॉब के लिए? भाई पार्ट टाइम जॉब के लिए सीवी उतना मैटर करता है जितना गंजे आदमी के लिए कंघी। अच्छा।
क्योंकि भाई आप कितने भी सीवी दे आओ उनके पास यहाँ से लेके यहाँ तक का एक बंडल होता है सीवी का, तो वो इतनी चेक करते होंगे? तो वो कुछ चेक नहीं करते हैं, वो भाई उसको चेक करते हैं जो उनको अच्छा लग रहा है बात करने में। तो अगर आप जाओगे, आप 1000 जगह सीवी देके आओ या आप 10 जगह जाके अच्छे से बात करके, आपको 10 जगह से कॉल आ जाएगी, 1000 में से शायद कॉल ना आए। जब तुम्हें ऑफर्स वगैरह आई थी और जिसके अंदर तुमने मतलब फाइनल कंपनी भी सिलेक्ट की, तो उसका क्या प्रोसेस था? उन लोगों ने इंटरव्यू कंडक्ट किया या उनका टेस्ट था या फिर उन लोगों ने बुला के ट्रायल के लिए? तो भाई अगर आप सर्वर हो या फिर अगर आपको कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव बनना है तो वो लोग ट्रायल के लिए बुलाते हैं। अच्छा। और वो ट्रायल के लिए मोस्टली अपने वीकेंड वाले दिन बुलाते हैं क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज्यादा होता है, तो उन लोगों के वो 3-4 घंटे का ट्रायल फ्री में हो जाता है। अगर आपने ट्रायल कर दिया और उनको पैसे नहीं देना, ट्रायल पेड नहीं होगा, तो आप गए, आपने वहाँ पे जाके ट्रायल दे दिया, उसके बाद वो आपसे बोलेंगे अब हम अपने एरिया मैनेजर से बात करके बताएंगे, सीधा रिस्पॉन्स नहीं देंगे। अच्छा। सीधा सीधा नहीं बताएंगे कि हाँ हुआ है कि नहीं हुआ है, बस आपको बोलेंगे, आपको बोलेंगे आप बताएंगे आपने ट्रायल दे दिया है, हो सकता है आपका मैनेजर उस ट्रायल में हो ही ना। अच्छा। आपको शायद देखा ही ना उसने, बस आप ट्रायल देके ऐसे ही आ गए। तो किस किस जगह पर आप ट्रायल देने गए और कौन? मैं भाई 3-4 रेस्टोरेंट्स के लिए ट्रायल देके आया था। अच्छा। लेकिन मैं 3-4 घंटे के लिए सबके लिए नहीं देके आया था, मैं 3 रेस्टोरेंट्स के लिए ट्रायल दिया, 1 घंटा 1 जगह पे 1 घंटा 1 जगह पे और 3 घंटा 1 जगह पे। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? मतलब क्या करना पड़ता है उसमें? तो भाई आपको यहाँ पे ना स्टैंडर्डाइज्ड एसओपी होती है हर काम की, ऐसे नहीं है जैसे अपन पाकिस्तान में इंडिया में भाई टेबलें घिस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीना बह रहा है, हालत खराब है वेटर की, कुछ भी बोल दे रहे हैं वेटर से। काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है, सामने वाला जो कस्टमर है वो भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है और आप सामने वाले की रिस्पेक्ट कर रहे हो इक्वली। तो मेनली तुमने वेटर के लिए अप्लाई किया था? नहीं भाई, मैंने कस्टमर सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए भी अप्लाई किया था, जो नेक्स्ट में आप कपड़े बेचते हो। अच्छा। जहाँ पे आप हेल्प करते लोगों को, तो वहाँ से भाई मेरे को 2 जगह से रिस्पॉन्स आया था, लेकिन मेरे को इतना हेक्टिक काम करना नहीं है, बाद में रियलाइज़ किया। अच्छा, कि मेरे को इतना हेक्टिक काम करना नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर तुम्हें वापस चांस मिले, तुम इंडिया चले जाओ, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो तुम वहाँ से करके आओगे, जो तुम्हें यहाँ के रियलाइज़ हुई है कि मुझे पहले ही करके आनी चाहिए थी? भाई अप्लाई ही नहीं करूँगा मैं, वापस नहीं आऊँगा। नहीं भाई, जोक्स अपार्ट, बट मोस्टली ये है कि मैं शायद से एक रोड मैप बना के आता जो मैंने नहीं बनाया था, मैं यहाँ पे आके सब कुछ करूँगा ये सोच के आया था, बट मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं जॉब्स के लिए पहले से अप्लाई कर देता हूँ। हाँ। जॉब्स एज इन फुल टाइम जॉब, फुल टाइम से। बट जब मैंने वहाँ पे इंडिया में देखी अपॉर्चुनिटीज, तो उस टाइम पे इतनी अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। यहाँ पे आके जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे को लग रहा है मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि हमको नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली क्या सिनेरियो है यहाँ पे हायरिंग का, एग्जैक्टली कौन सी पोजीशंस आपको अट्रैक्ट करेंगी और कौन सी नहीं करेंगी। आपको लगता है कि आपको पता है, बट आपको एक्चुअली नहीं पता होता। इसके बाद मैं 3 लोगों से और मिला, और अगर मैं इन सब की बातों का कंक्लूजन करूँ तो इंडीड, इंडीड फ्लैक्स, टारगेट जॉब और डायरेक्ट वेबसाइट्स, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। लेकिन फॉर पार्ट टाइम जॉब्स सबका यही कहना था कि अगर आप फिज़िकली सीवी ड्रॉप इन करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं 4 लोगों से मिला, जिसमें से एक को रेफरेंस पे जॉब मिली, एक को ऑनलाइन अप्लाई किया था उसने, और 2 लोगों को सीवी फिज़िकल ड्रॉप इन करने पे। और अगर आप पाकिस्तान इंडिया से आ रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि 2 चीज़ें आप बिल्कुल क्लियर करके आएँ। पहला ये कि आपके पास यहाँ वर्कलोड कितना होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी कितनी क्लासेस होंगी, और कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं है जो आपको सीखना पड़ेगा, या असाइनमेंट किस टाइप के होंगे, और इन सब चीज़ों को फिर दिमाग में रख के जॉब पहले ही डिसाइड करके आएँ कि किस टाइप की जॉब आप करेंगे। तो जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो बहुत ईजी होगा जॉब से अप्लाई करना, वरना हम यहाँ जब आते हैं तो छोटे छोटे कामों में इतना बिजी हो जाते हैं कि चीज़ें करना बहुत मुश्किल हो जाती हैं। लेकिन ये सब जितनी भी इंफॉर्मेशन दी, ये सब पार्ट टाइम जॉब के लिए दी। अगर आप चाहते हैं कि मैं फुल टाइम जॉब्स के लिए भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं।